गाइस, मैं रचना, आप सबका रचना कोचिंग क्लासेस चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्क के साथ। वर्क होता क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्सन है और ये है कोई बॉक्स। तो हमने इस बॉक्स को अपनी फोर्स के साथ, यानी कि एफ वेक्टर फोर्स के साथ इसको हमने पुश किया, तो ये अपनी प्लेस चेंज करके, मान लीजिए ये इस पोजीशन पर आ गया। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मार्कर है, हमने ये यहाँ पर पड़ा है, हमने इस पर थोड़ी सी फोर्स लगाई और इसने अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज कर ली। इसी प्रकार इस बॉक्स को फोर्स लगाने पर इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इसको हम बोलेंगे वर्क। यानी कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, उसको हम बोलते हैं वर्क। इसीलिए वर्क का फॉर्मूला है एफ, यानी कि फोर्स, और जो ये पाथ ट्रेवल किया है, ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने एस के साथ डिनोट किया है, और जो एंगल मेजर करते हैं हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वो एंगल होता है कॉस थीटा का। तो गाइस, ये है फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो गाइस, वर्क होता है तीन प्रकार का, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। और अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे ही हमने देखा था, ये पर्सन है और ये है एक बॉक्स। तो मान लो हमने इस साइड फोर्स लगाई और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड हुआ, हमने यही डायग्राम पहले बनाई थी और इसी साइड हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, फोर्स हम एक साइड लगाए और डिस्प्लेसमेंट हमारी दूसरी साइड हो। जैसे कि हम बॉल को उछालते हैं, हम हवा में ऊपर वाली डायरेक्शन में बॉल उछालते हैं और हम देखते हैं कि बॉल अपने आप नीचे आ जाती है, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वो ऑपोजिट साइड में करती है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क का क्या मतलब है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और बहुत हैवी बॉक्स है, अगर हम उसको बोलें कि इस बॉक्स को हिलाना है, तो वो जितना मर्जी फोर्स लगाए इस बॉक्स को मूव नहीं करवा सकता, इसको हम बोलते हैं जीरो वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन ही ये है कि जिसमें फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो, अगर चेंजेस नहीं हो रहे तो उसको हम जीरो वर्क बोलेंगे, यानी कि वो वर्क नहीं हुआ। तो गाइस, अब हम अपना सेकंड टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता, उसको हम बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी गाइस होती है दो प्रकार की, फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक को बोलते हैं हम गतिज, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग देखी है, स्प्रिंग देखा है, हम स्प्रिंग को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो वो अपने आप ही पीछे की तरफ अपने आप आ जाता है, यानी कि वो एनर्जी जो उसी पोजीशन पर रहती है, चाहे हम जितना मर्जी उसको स्ट्रेच कर लें तो वो अपनी पोजीशन पर रिटेन वापस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें मोशन होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक फ्लाइंग एरोप्लेन की एग्जांपल ले रहे हैं हम, उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि वो पहले तो वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसके बाद वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा है। एंड गाइस, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी का स्क्वायर, एम मास, वी वेलोसिटी और उसका स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि हम ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कैंडल की।
हमको ये तो पता है कि जो कैंडल होती है वो केमिकल्स से बनी होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। लेकिन जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो किस में ट्रांसफर हो जाती है, लाइट एनर्जी में। तो गाइस आप इस टेबल में देखिएगा, हीट एंड लाइट एनर्जी, यानी कि वो हीट भी देगी एंड लाइट भी, हीट एंड लाइट एनर्जी में वो चेंज हो जाती है। तो ये ऐसे ही है कि एनर्जी ना ही वो क्रिएट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो गाइस आपकी बुक में देखोगे आप टेबल बना हुआ है जिसमें इक्विपमेंट्स लिखे हैं, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो गाइस यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सीधा का सीधा फॉर्मूला कई एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं पावर। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि हम एक सेकंड में कितना कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं पावर। और इसका फॉर्मूला भी यही है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि हम एक सेकंड में कितना कार्य कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे पावर। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, वॉट, क्योंकि इसका जो ये यूनिट है, यानी कि पावर को किसने बनाया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स वॉट, वहां से ये नाम पड़ा है वॉट। तो गाइस आपकी बुक में कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो आप अच्छे से याद कर लेना। यानी कि 1 kW किसके इक्वल होता है, 10^3 वॉट। हमने किया था प्रीफिक्स, किलो का मतलब होता है 10^3। उसी तरह से 1 MW इसका मतलब है 10^6 वॉट। उसी तरह से आप देखिए 1 watt second, 1 watt second ये किसके इक्वल होता है, 1 joule के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 horsepower ये किसके इक्वल होता है, 746 watt के। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किया वर्क पावर एंड एनर्जी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।